बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एप्लीकेशन एंड यूजर्स ऑफ कंप्यूटर, और इसको हम कवर करेंगे ई कॉमर्स ऑनवर्ड्स कंप्लीट तक। जो जो टॉपिक्स हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे उनमें है हमारे पास यूजर्स ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर हम रोबोट्स को डिस्कस करेंगे, सिमुलेशन, कैड कैम, एयरलाइन सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग, और उसके बाद मेडिकल फील्ड, एजुकेशन फील्ड, और होम के अंदर आपके कंप्यूटर जो हैं वो किस तरीके से यूज़ होते हैं हम उसको स्टडी करेंगे। यूजर्स ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, इसमें सबसे पहले हमारे पास रोबोट है। रोबोट एक्चुअली एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि मैकेनिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, अगर आपने डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करना है, कार्स को स्प्रे पेंट करना है, डिफरेंट ब्लड सैंपल्स को अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट्स के अंदर रोबोट्स की कई एप्लीकेशंस हैं। सिमुलेशन एक्चुअली एक मॉडल होता है जो कि आपके एक सिस्टम की आर्टिफिशियल रेप्लिका जो है वो क्रिएट करता है। इसका मेन मकसद रियल लाइफ के अंदर जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पीपल है उसको रिड्यूस करना होता है। इसको हम पायलट्स की ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और स्पेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी इसका वाइडली यूज़ होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर की मदद से अपने डिफरेंट डिज़ाइंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्शन मॉडल्स हैं उनको हम बिल्ड भी कर सकते हैं। ये हमारे मॉडल्स को फॉलोइंग पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो फॉलोइंग पैरामीटर्स कौन से हैं कि आप अपनी क्वांटिटीज लिस्ट और उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको कंपाइल करें, उसके अलावा असम्बलिंग ऑफ द पार्ट्स और जो आपकी प्रोडक्शन के प्रोसीजर्स हैं आप उनको आउटलाइन करें, और उसके बाद जो फाइनल डिज़ाइन है उसको मशीन को डायरेक्टली आप ट्रांसमिट कर दें। कैड को एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स रिक्वायर होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा यूज़ करता है। उसके अलावा ये आउटपुट डिवाइसेस को भी यूज़ करता है। कैड को हम न्यू कार्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, ब्रिजेस को डिज़ाइन करने के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कैड की जो डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट है उसकी मदद से हम अपने प्रोडक्शन मशीनरी को कंट्रोल करते हैं। इसके थ्रू हम एक्यूरेसी के साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और चीपर प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कैम के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन है उसको भी इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसको विदाउट एनी ब्रेक जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। एयरलाइन सिस्टम, कंप्यूटर जो हैं ये एयरक्राफ्ट्स को और उससे रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं हम फ्लाई बाय वायर सिस्टम की मदद से सेंड करते हैं। ये पायलट को कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट करता है। उसके अलावा इसकी जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं ये नेविगेशन के अंदर यूज़ हो सकता है, फ्लाइट्स की टिकट रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको दूसरी फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग एक्चुअली आपके उस डाटा के ऊपर डिपेंड करती है जो आप वेदर स्टेशंस के अंदर डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो आपका वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है वो उस कलेक्टेड डाटा के ऊपर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और उसके बाद वेदर फोरकास्ट एक जनरेट करके दे देता है। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, दैट इज़ पाको, ये हमें ऑफर करता है कि हम अपने डाटा को एनालिसिस कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस को ले सकें। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग के अंदर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के पेरोल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मेडिसिन इस समय अवेलेबल हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो स्टोर किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री, कंप्यूटर्स की मदद से हम अपने पेशेंट्स का जो पास्ट ट्रीटमेंट है उनको कौन कौन सी मेडिसिन जो है पास्ट में सजेस्ट की जा चुकी हैं और उनके क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं। उसके बाद है मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोसेंसर डिवाइसेस के साथ अपने पेशेंट का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जो है उसको रीड कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज और कैट स्कैनर की मदद से अपने पेशेंट्स की जो डिजीज़ हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, और उसके अंदर इनको डायग्नोस करने के लिए एक्सरेज और कैट स्कैनर को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। यूजर्स ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, उसमें सबसे पहले है हमारे पास कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग आपका वो प्रोसेस है
जिसके अंदर हम अपनी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हांस करते हैं। ये आपके टीचिंग मटेरियल को प्रिपेयर करने की जो टाइम रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आती है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आपका वो सिस्टम है जिसमें हम कंप्यूटर की मदद से आपका जो लर्नर है, लर्नर के रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हैं। इसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पेस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। इससे आपका जो ट्रेनिंग टाइम है वो रिड्यूस होता है। उसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल जो हैं उनको किसी भी वक्त किसी भी जगह के ऊपर पढ़ा सकते हैं या उनको टीच कर सकते हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई लोकल स्टूडेंट है या कोई रिमोट प्लेस के ऊपर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो इसके थ्रू आप उसको भी ट्रेन कर सकते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। कंप्यूटर जो है आपके घर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज़ आपका घर का जो भी बजट होगा आप वो इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मूवीज़ हैं उनको देखना है, उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स के कोई मैचेस देखना चाहते हैं या कोई गेम जो है आप उसको प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज और ईमेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर की मदद से हम होम ऑटोमेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन एक्चुअली आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मदद से अपने घर की डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हमारे पास अगर हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से अपने एसी को कंट्रोल करते हैं तो वो होम ऑटोमेशन की एक एग्जांपल है। कंप्यूटर असिस्टेंस सिंप्लीफाइंग आर वर्क प्रैक्टिसेस। कंप्यूटर जो हैं बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, प्रिसीजन के साथ और रिलायबिलिटी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हैं उनको परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर्स को प्रेफर करने के जो कुछ रीजंस हैं वो आपके पास जहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन से ज़्यादा तेज़ काम कर सकता है। आपका ह्यूमन जो है वो थक जाता है लेकिन आपका कंप्यूटर जो है कभी भी थकता नहीं है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजरस टास्क जो हैं वो आप कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल के करीब जाना हो तो वहाँ पर एक ह्यूमन का जाना जो है ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप रोबोट्स की मदद से वहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो कंप्यूटर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर ना तो आपकी इन्फॉर्मेशन को लूज़ करते हैं ना ही वो आपके डाटा को मिसप्लेस करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू है हमारे पास, क्या स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए में कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, ऑप्शन बी है हमारे पास कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग है, ऑप्शन सी में है हमारे पास कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर हमसे कैल का एब्रीवेशन पूछा गया, कैल स्टैंड्स फॉर। इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास ए है, दैट इज कंप्यूटर एडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम। ऑप्शन ए में है टेलीविजन, ऑप्शन बी के अंदर है वेदर स्टेशन, ऑप्शन सी के अंदर है रडार, ऑप्शन डी के अंदर है एंटीना। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग जो है वो डिपेंड करती है एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा, बट फ्रॉम वेयर, ये पूछा गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वेदर स्टेशन, क्योंकि जितना भी डाटा कलेक्ट होता है यहाँ पे रडार और एंटीना जो है ये तो एक्चुअली आपके डिफरेंट सेंसर्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो सारे का सारा डाटा जो है वो वेदर स्टेशन के अंदर स्टोर होता है और हम वेदर स्टेशन में जो एक्यूरेट डाटा स्टोर होता है उसी की बेस के ऊपर वेदर फोरकास्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट आंसर जो है वो वेदर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लाई बाय वायर सिस्टम इज यूज्ड इन। ऑप्शन ए में है मेडिकल फील्ड, ऑप्शन बी के अंदर है एयरलाइन फील्ड, ऑप्शन सी के अंदर है एजुकेशन फील्ड, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। अब फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो है ये एक्चुअली एयरलाइन सिस्टम में यूज़ होता है। उसका रीज़न ये है कि हम अपने एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से कंट्रोल करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं वो आपके फ्लाई बाय वायर सिस्टम की मदद से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।